तिवारी ने श्वेता तिवारी के साथ में यानी कि अपनी मम्मा श्वेता तिवारी के साथ में कंपैरिजन करने पर दिया रिएक्शन। क्या रिएक्शन दे दी है पलक तिवारी, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। वेल, हमने कई बार देखा है कि श्वेता तिवारी के साथ में पलक तिवारी का कंपैरिजन होता है। हाल फिलहाल ही जो है पलक तिवारी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सामना करना पड़ता है और वो है कंपैरिजन का उनकी मम्मा के साथ में। पर उनकी मम्मा काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी यंग दिखती हैं इतनी एज में होने के बावजूद भी, तो काफ़ी खूबसूरत है, फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके एक्टिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब पलक तिवारी इंडस्ट्री में अपना कदम रखती हैं तो उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता था और काफ़ी ज़्यादा यू नो कंपेयर भी किया जाता था कि ये अपनी मम्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, अपनी मम्मी की तरह ना ही इसकी एक्टिंग है, साथ ही ये अपनी मम्मी की जैसी दिखती ही नहीं है। दरअसल पलक तिवारी बताती हैं कि उन्हें उस वक्त कैसा लगता था। पलक तिवारी कहती हैं कि उन्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, वो पिलो में पंच करती थी जब कोई भी उन्हें ऐसा कहता था कि वो उनकी मम्मी की तरह नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर उनकी मम्मा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। जब लोग कहते थे कि वो उनकी मम्मी की तरह खूबसूरत नहीं है, तभी उनकी मम्मा जो हैं वो हमेशा ये कहती थी कि वो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और उनकी मम्मी की कही गई जो बात थी वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करती थी और उनकी मम्मा ने जैसी उनकी परवरिश की है वो बताती हुई पलक तिवारी नजर आती हैं और कहती हैं कि मुझे अब इन सब बातों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और मैं इवन बहुत अच्छा फील करती हूँ जब उन्हें जो है उनकी मम्मी के साथ कंपेयर किया जाता है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि एक दिन ऐसा होगा जब वो अपनी मम्मी की तरह जरूर बनेंगी। तो यहाँ पर पलक तिवारी जो है वो खुल के अपने विचार रखती हैं और ये सारी बातें कहती हैं। क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।